बहुत ही रोचक विषय माना जाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई छात्र इस विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में भी चुनते हैं। ऐसा करने के पीछे उनके अपने कारण होते हैं। अगर आप भी इस विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए पॉलिटी का सिलेबस और पॉलिटी की तैयारी। सबसे पहले इस विषय के सिलेबस को समझते हैं। इस विषय का सिलेबस कुछ अन्य विषयों की तुलना में थोड़ा छोटा ही है। इसे निम्नलिखित पॉइंट्स में समझा जा सकता है: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्थ नियामक निकाय, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, विभिन्न संवैधानिक निकायों के विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के उत्पन्न होने वाले मुद्दे, केंद्र और राज्य द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय, विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, संसद और राज्य विधानमंडल, संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेष अधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकार के कार्यकारी और न्यायपालिका मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कामकाज, दबाव समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वृत्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां। अब बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष की, यानी कि इस बात की कि पॉलिटी की तैयारी कैसे की जाए। आपको अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करनी चाहिए। उनमें जितने भी अध्याय दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से समझिए। इन किताबों में अध्यायों को बहुत विस्तार से और व्यवहारिक स्तर पर समझाया गया है और आपको पूरी गंभीरता के साथ इसे समझना है। इसके बाद आप इस लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ें और संविधान को बहुत अच्छे तरीके से समझें। इस किताब को पढ़ते समय एनसीईआरटी की किताब में से जो भी कुछ आपने जाना है उसे जोड़ते चलें। इसमें शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन बाद में रास्ता आसान हो जाएगा। इस तैयारी के बाद जब आप अखबारों में पॉलिटी से संबंधित कोई भी संपादकीय टिप्पणी या लेख पढ़ते हैं तो उसे न केवल संवैधानिक पृष्ठभूमि में ही दिखें बल्कि उसे समझने की कोशिश भी करें, ये जानने के लिए इसके लिए किस तरह के संवैधानिक प्रावधान है। रेडियो पर या दूरदर्शन समाचार पर इसके संबंधित जिन भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है या साक्षात्कार लिए जाते हैं उन्हें आप ध्यान से सुने, वहीं आपकी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे। जबकि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो बेहतर होगा कि आप उन पर थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दें। मित्रों, निश्चित रूप से इस तरह की तैयारी में थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन इससे आपकी जो भी तैयारी होगी वो बहुत ही ठोस होगी और बहुत ही नंबर दिलाने वाली होगी। इस बात को कतई ना भूलें कि इसका लाभ आपको साक्षात्कार में भी मिलेगा क्योंकि साक्षात्कार में अक्सर राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।